मोटरसाइकिल चोरों का कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। दो आरोपियों के साथ 12 मोटरसाइकिल की जब्त। आपको बता दें कि विगत समय से शहर में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरियों के संबंध में शिवपुरी SP द्वारा लगातार मॉनिटरिंग कर मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी को मुखबिरी की सूचना पर टीम गठित कर मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ने हेतु रवाना किया गया, जिस पर शहर शिवपुरी के विभिन्न स्थानों से आरोपीगण महेश गुर्जर तथा ब्रजेश गोस्वामी दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिल जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए की बरामद की गई। सर, आज जो ये बाइक चोर पकड़े गए हैं, कहाँ से ये पकड़े गए हैं और क्या कुछ इनका क्या पूरा मामला? शहर में लगातार मोटरसाइकिल की चोरी हो रही थी। पिछले जो चोर थे पुराने, उन सबको हमारे द्वारा चेक किया गया तो उनका होना नहीं पाया गया इसमें। पर हमें सूचना मिली कि शिवपुरी शहर के आसपास के गांव के कुछ लोग इस काम को कर रहे हैं। उस सूचना की तस्दीक पे से हमने महेश गुर्जर निवासी थाना कोलारस और ब्रजेश गोस्वामी थाना पोहरी इनसे पकड़ के तस्दीक की, पूछताछ की, तो अभी तक इनसे 12 मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। ये लोग और कई लोग हैं जिनसे बेच के गाड़ियां मंगवाते थे और उनको ग्रामीण इलाकों में बहुत कम दामों में खपा देते थे। जो इनके साथ और लोग काम कर रहे हैं उनसे उनकी भी तलाश जारी, उनको भी पकड़ेंगे। आगे और भी मोटरसाइकिल बरामद होने की संभावना है। अभी तक 12 मोटरसाइकिल हमने अपने पोजीशन में ले ली। सर, ये दोनों आरोपी की कोई इनसाइड स्टोरी निकल के आ रही है कुछ बाहर, क्यों करते थे ऐसा काम? ये धंधा था इनका, शहर से उठवाते थे गाड़ियां, जो उठा के लाता था उसको 1000-2000 रुपए देते थे, उसके बाद 3-4 हजार रुपए में ये गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में बेच देते थे। अभी सर, ये जो 12 गाड़ियां पकड़ी हुई, ये कहाँ की, मतलब इनकी निकल के आई है ये गाड़ी कहाँ? ये महेश गुर्जर के घर पे रखी हुई थी कई गाड़ियां, जो ये बेचने के फिराक में था। कुछ इनमें से ब्रजेश गोस्वामी के पास थी जिनके ये ग्राहक तलाश रहे थे। उसी ग्राहक के तलाशने पे एक सूचना हमारे पास आई, उसकी हमने तस्दीक की, जिस पर से सबको गिरफ्तार किया।